नमस्कार भाई, खाता बुक के नए वीडियो में आपका स्वागत है। टाइटल से आप सब भाई लोग समझ गए होंगे कि आज हम क्या बात करने वाले हैं। आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे किराने की दुकान होती क्या है, किराना स्टोर कौन कौन खोल सकता है, किराना स्टोर खोलने के लिए आपको क्या क्या जांच पड़ताल करनी होगी और कैसे डिसाइड करें कि दुकान किस जगह खोलनी है, किराने की दुकान खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट या निवेश चाहिए होता है, किराने की दुकान खोलने के लिए कौन कौन से परमिट जरूरी होते हैं। क्या ये सब सवाल आपके दिमाग में भी चल रहे हैं? अगर हाँ तो जवाब के लिए वीडियो अंत तक देखना भाई। इन सब के अलावा वीडियो के लास्ट में आप सब भाइयों के लिए कुछ बोनस टिप्स भी हैं हमारी तरफ से। किराने की दुकान होती क्या है? जनरल स्टोर, किराना स्टोर या फिर परचून की दुकान, इन नामों से जाना जाता है एक किराने की दुकान को। दुकानदार रोजाना का सामान जैसे दाल, मसाले, आटा, चावल, टूथपेस्ट, शैम्पू थोक पे खरीद के उसे अपना मुनाफा लगाकर आगे बेचता है। ये एक बहुत ही सिंपल बिजनेस आइडिया है। इसी वजह से आज हमारे देश में लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा किराना स्टोर मौजूद है। बड़ी बड़ी कंपनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और रिलायंस भी अब इस धंधे में उतर चुके हैं। पर चिंता मत करो भाई, इनके आने से आम किराने की दुकान को ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। पता है क्यों? क्योंकि पहले तो जो सामान एक किराना वाला बेचता है वो सामान आमूमन उसने खुद भी इस्तेमाल किया होता है, तो एक तरह से सामान की क्वालिटी की गारंटी होती है। दूसरा कारण है उधार। हालांकि उधार ज्यादा देना नहीं चाहिए, पर अगर कोई रेगुलर कस्टमर आपकी दुकान पर सामान लेने आए और साथ में पैसा लाना भूल जाए तो बाद में कभी आते जाते हुए भी वो दे सकता है। तीसरा कारण है फ्री होम डिलीवरी का। ग्राहक के एक फोन पे डिलीवरी सीधा घर तक। आखिरी और सबसे बड़ा फायदा होता है सामान वापस करने का। अगर सामान पसंद ना आए तो ग्राहक दुकान पर आकर उसे वापस भी कर सकता है। किराना स्टोर कौन कौन खोल सकता है? ना ही कोई डिग्री, ना ही कोई कोर्स करने की जरूरत है भैया, सारा खेल है हिसाब किताब का। और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है किराना स्टोर खोलने के लिए, कोई भी खोल सकता है किराना स्टोर। किराना स्टोर खोलने के लिए आपको क्या क्या जांच पड़ताल करनी होती है और कैसे डिसाइड करें कि दुकान किस जगह खोली? देखिए भाइयों, वैसे तो आप में से कुछ भाई ऐसे भी होंगे जो अपने घर के आसपास ही दुकान खोलने की सोच रहे हैं, पर जहां कहीं भी आप दुकान खोलें बस कुछ बातों का हमेशा ध्यान रखें। जिस एरिया में आप दुकान खोल रहे हैं वहां पर कितनी और किराने की दुकानें पहले से हैं, दुकान के आसपास का एरिया रेसिडेंशियल है या कमर्शियल, मतलब कि उस एरिया में घर ज्यादा हैं या फिर ऑफिस और मार्केट। जैसा एरिया है वैसे ही ग्राहक होंगे और जैसे ग्राहक होंगे तो उसी टाइप का सामान दुकान पर रखना होगा। उस एरिया की आबादी कितनी है, जितने ज्यादा लोग उतने ज्यादा ग्राहक। अच्छा, ग्राहकों से याद आया भाइयों, ग्राहक को समझना भी एक सफल बिजनेसमैन की पहचान है। भाई अगर अपने कस्टमर के दिमाग को समझ लिया ना तो इससे बढ़िया कोई बात ही नहीं है। ग्राहक को समझने के लिए बस इन तीन का ध्यान रखो। पता करो कि आपके ग्राहकों की आमदनी कैसी है और वो खरीदना क्या चाहते हैं, क्योंकि जैसी उनकी आमदनी होगी खर्चा भी वैसा ही होगा और उसी टाइप का सामान आपको अपनी दुकान पर रखना होगा। आपकी दुकान पे आने वाला ग्राहक क्या नई नई चीजें ट्राई करना पसंद करते हैं या फिर अपनी डेली यूज की आइटम्स में उन्हें ज्यादा चेंज पसंद नहीं है। जैसे कि मुझे नमकीन खाना बहुत पसंद है तो मैं हर महीने अलग अलग तरह की नमकीन ट्राई करता हूं, पर साबुन में पिछले 25 सालों से हमाम ही इस्तेमाल कर रहा हूं। आपके ज्यादातर ग्राहक रेगुलर हैं या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपकी दुकान की लोकेशन। अगर आपकी दुकान किसी हाईवे या बस स्टैंड के पास हो तो चांसेस ज्यादा हैं कि आपके ग्राहक बदलते रहे। ऐसा है तो अपनी दुकान में ज्यादा ऐसी चीजें रखनी होंगी जो ज्यादातर लोग इस्तेमाल कर सके। भाइयों, आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपको ये वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम आपको समय समय पे आपका बिजनेस बढ़ाने की बढ़िया टिप्स देते रहेंगे। खाता बुक के साथ अब बिजनेस करना होगा आसान। किराने की दुकान खोलने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट या निवेश चाहिए होगा? अब देखो भाई, बिजनेस आपका है तो आखिरी फैसला भी आपका ही होगा, पर अगर मुझसे पूछोगे तो मैं तो यही कहूंगा कि शुरू में ज्यादा पैसा मत डालो। ऐसा इसलिए क्योंकि जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उस काम को सीखने में और आगे बढ़ाने में थोड़ा वक्त लगता है,
गलतियां भी होती हैं और उन गलतियों से सीखते भी। बस बात यह है कि ये गलतियां महंगी नहीं पड़नी चाहिए, बस कम सामान से शुरू करो और जैसे जैसे मार्केट समझने लगो तो उसी हिसाब से अपना स्टॉक और वैरायटी दोनों को बढ़ाते रहो। अमूमन एक किराने की दुकान को शुरू करने में 50,000 से लेकर 2,00,000 तक का खर्चा आता है। जो बातें मैं आपको अभी तक बताई हैं उन्हें ध्यान में रखकर आप खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपने कितना खर्चा करना है। नीचे कमेंट में लिखकर बता दो आप लोगों को क्या लगता है, आपके हिसाब से शुरू में कितना पैसा डालना ठीक रहे। किराने की दुकान खोलने के लिए कौन कौन से परमिट जरूरी है? अब बिजनेस चाहे छोटा हो या बड़ा, थोड़ी बहुत कागजी कार्रवाई तो चाहिए ही होती है। किराने की दुकान खोलने के लिए भी आपको इन सब परमिट की जरूरत पड़ेगी। फूड लाइसेंस, दुकान का रजिस्ट्रेशन, दुकान ईवीएम प्रतिष्ठान का रजिस्ट्रेशन, बिजनेस जीएसटी रजिस्ट्रेशन, GSTIN 15 डिजिट का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर दुकान का सालाना टर्नओवर 20,00,000 से ज्यादा है तो। आगे आने वाले वीडियो में हम इन परमिट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। अच्छा, अब आप सब भाई ये तो समझ ही गए होंगे कि किराने की दुकान को खोलना कैसे है, पर ज्यादा ज्यादा कुछ बोनस टिप्स भी ले जाओ मुझसे। भाई दुकान खोलना तुम्हारे लिए पहला कदम है, इसके बाद भी कुछ बातों का ध्यान रखना होगा। नई दुकान खोलने के बाद उसके प्रचार प्रसार भी जोर दो, पैम्फलेट छपाओ या खुद प्रिंटआउट लगवाकर अपनी दुकान के आसपास के एरिया में चिपका दो। कोशिश करो कि ग्राहक को लुभाने के लिए शुरू में अपना मार्जिन कम रखकर सामान बेचो। जितना डिस्काउंट दे सकते हो उतना अपने ग्राहक को दो। त्योहारों के टाइम पर अपनी दुकान को खोले रखो, क्योंकि ये पीक टाइम होता है बढ़िया मुनाफा कमाने के लिए। अपने आसपास की और किराना स्टोर्स पर भी नजर रखो, उनकी अच्छी बातों को फॉलो करो और उनकी गलतियों से सीखो। हो सके तो अपने रेगुलर ग्राहकों को तो कम से कम फ्री होम डिलीवरी की सुविधा दो। आखिरी और सबसे ज्यादा जरूरी बात, धंधे के साथ कभी बेईमानी मत करना। ग्राहक को कभी बेकार क्वालिटी का सामान मत दो। विश्वास बनाने में सदियां लग जाती हैं पर टूटने में 2 मिनट नहीं लगते। आखिर मैं आप सब भाइयों से यही बोलूंगा कि किराने की दुकान और किसी और दुकान में सबसे बड़ा फर्क होता है इंसानी रिश्तों का। ये कोई टीवी या कपड़े का शोरूम नहीं है जहां पर आदमी साल में 2-3 बार ही जाता हो। किराने की दुकान शुरू करने पर आपको केवल सामान ही नहीं बल्कि साथ में अपना व्यवहार भी अच्छा रखना है। किसी के लिए अंकल, किसी के लिए भाई साहब, तो किसी के लिए आप भैया होंगे। ग्राहक का विश्वास टूटना नहीं चाहिए। तो इसी के साथ भाइयों मैं आपसे हाथ जोड़कर विदा लेता हूं। और हाँ, अगर आप सब भाई लोग जानना चाहते हो किराने की दुकान में शुरू में क्या क्या सामान लाना चाहिए तो ऊपर दिए गए बटन को क्लिक करो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और कमेंट्स में बताओ कि आप अगली वीडियोस में क्या देखना पसंद करोगे। नमस्कार भाई।